ओके सो हेलो टू एवरीवन, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अभिपीडिया डिफेंस यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अभिमन्यु IAS। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि कैसे कोई सिविल सर्विसेज का जो एस्पिरेंट है, जो तैयारी में लगा हुआ है, वो चाहता है कि मैं CAPF AC को भी क्वालिफाई करूँ, और ना सिर्फ क्वालिफाई करूँ, मैं अपना नाम जो है मेरिट लिस्ट के अंदर लेकर आऊँ। तो ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ करने के लिए आपको पहली तो बात है यूनिकनेस ऑफ द एग्ज़ाम देखना पड़ेगा। आप ये मत सोचिए कि कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो उसके सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मिथ गलत होती है। आप अगर मान लीजिए आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई स्टेट का कोई पटवारी या क्लर्क का एग्ज़ाम देंगे, आपसे क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। बिकॉज हर एग्ज़ाम का जो एक यूनिकनेस होती है, हर बॉडी जो है जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो वो मेक श्योर करती है कि वो हर एग्ज़ाम के अंदर कुछ यूनिकनेस लाए। तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है वो यूनिकनेस क्या है, वो एजेस क्या है। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी यूनिकनेस, सारी एजेस की बात डिस्क्राइब करके बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आप उस चीज़ के ऊपर डायरेक्टली हिट करो, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप सीधा का सीधा जो है CAPF के अंदर भी मेरिट लिस्ट में आए, ना कि सिर्फ क्वालिफाई करें। समझ आ गया? सो ये स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी फॉर CAPF सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट टू एस द CAPF AC एग्जाम। नाउ एक बार 2022 का देखते हैं सिस्टम क्या है, नोटिफिकेशन वगैरह क्या होने वाली है, उसी के हिसाब से देखते हैं। सो आपको पता है कि हमारा जो 2022 का जो नोटिफिकेशन होगा वो 20 अप्रैल को निकलने वाला है, 20 अप्रैल को आएगा, और जो एप्लीकेशन होगी वो लास्ट डेट होगी 10 मई की। ये ठीक है, हमें समझ आ गया। अब अल्टीमेटली जो एग्ज़ाम होगा वो उसी दिन को है जिस दिन को इस बार हुआ था, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, 8 अगस्त 7 अगस्त, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप CAPF की तैयारी कर रहे हैं और सिविल सर्विसेज के आप एस्पिरेंट हैं, तो आपने कौन कौन से एरियाज हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, समझ आ गया, एक्स्ट्रा पढ़ने हैं, वो एरियाज को आपको देखना पड़ेगा। वो एरियाज कौन से होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, इन डिटेल बताऊंगा, तो आपने याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि देखो, एक तो नोटिफिकेशन आता है और उसके बाद बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, उसका जो मोमेंटम है वो बरकरार रहता है। लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मेरिट लिस्ट में आने के लिए सिर्फ नोटिफिकेशन आने के बाद की पढ़ाई मैटर नहीं करती, नोटिफिकेशन आने से पहले की जो पढ़ाई आपने की होगी वो एक्चुअली आपको मेरिट लिस्ट के अंदर लेकर आएगी। समझ आ गया? सो अभी आपको पता है इट इज़ राइट नाउ इट इज़ सेप्टेम्बर चल रहा है, सेप्टेम्बर से लेके अप्रैल तक का आपने याद रखना है, अपना पूरा मोमेंटम रखना है, पूरे अपने एफर्ट लगाने हैं, टेस्ट सीरीज लेनी है। टेस्ट सीरीज आप CAPF की ले सकते हैं, जो आपका मन करता है आप लीजिए, स्पेशलाइज टेस्ट सीरीज है हमारी CAPF की। समझ आ गया? अब इसमें एक चीज़ और याद रखेंगे कि सितंबर से लेके अप्रैल तक का जो महीना होगा, अगर प्रॉपरली आपने निकाल लिया, वो एजेस के ऊपर टारगेट करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली यू विल सी अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योर थिंग्स। सो अब एक चीज़ और है, वी हैव द Paper 1 Paper 2 टेस्ट सीरीज 2022 के लिए, 36 टेस्ट सीरीज है, जल्दी से जल्दी आप उस टेस्ट सीरीज को कर सकते हो। जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, दे आर नॉट सपोज टू, वैसे तो सिविल सर्विसेज वाले होते हैं, CAPF के वाले सिलेबस के अंदर की बात करें तो वो सिमिलर ही होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस ही होता है, वही हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी होता है। तो कोई स्टूडेंट जो कोर्स लेता है हमारा Paper 1 Paper 2 का, तो उसका सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 100% निकलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट रेलेवेंट होता है, वही सिलेबस होता है। बट अगर कोई सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है, वो चाहता है कि मैं CAPF के साथ कनेक्टेड रहूं, तो वो टेस्ट सीरीज लेके भी CAPF की टेस्ट सीरीज दी, संडे को टेस्ट दिया, फिर अगले संडे को टेस्ट दिया, तो उसको वो मोमेंटम बरकरार रहेगा। सो वी हैव टेस्ट सीरीज ऑल्सो, वी हैव कम्प्लीट कोर्स ऑल्सो। कोई भी डाउट क्वेरी होगी आप सीधा व्हाट्सएप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आपके पास है। अब देखिए, ये जो बॉर्डर लाइन है ना, ये बॉर्डर लाइन की मैं आपको बात बता देता हूँ, फटाफट बता देता हूँ। देखो, जितने भी सिविल सर्विसेज वाले एस्पिरेंट्स होते हैं ना, वो पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और उनके भी 120-130 के अराउंड घूमते रहते हैं। इसका रीज़न ये होता है, उन्होंने कभी भी CAPF की तरफ ज़्यादा इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं होता, वो सोचते हैं हम लोग CAC की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी निकल जाएगा, वो निकाल भी लेते हैं, लेकिन उनका केस बॉर्डर लाइन होता है। मैंने जब 2017-18 में इंटरव्यूज दिए थे तो मेरे साथ में सब के सब CAC वाले थे, सब के सब, और वो सारे के सारे बॉर्डर लाइन थे।
मतलब आप देखिए, अगर 100 बच्चा सीएससी वाला है उसमें से 10 बच्चा सिलेक्ट हो भी गया फाइनली, तो ऐसा तो नहीं है ना। देखिए कितनी परसेंटेज होती है, कितने मेजर लोग सीएससी के आते हैं लेकिन सारे थोड़ी क्लियर करते हैं, क्योंकि मेजरली 90% जो होते हैं, 90-95% जो लोग होते हैं सीएससी वाले, वो बेसिकली बॉर्डर लाइन में होते हैं। तो बॉर्डर लाइन में होने का एक रीज़न ये होता है क्योंकि उनको वो एरियाज नहीं पता होते जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं और वो थोड़े से एक्स्ट्रा करके पढ़ने पड़ते हैं। चलो, तो आपको तो बॉर्डर लाइन का समझ आ गया। अब सबसे पहले मैं हिट करूंगा करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके लिए, वो मैं बता देता हूँ। देखो, सिंपल सी चीज़ है, लास्ट 6 मंथ्स के जो करंट अफेयर हैं, अभी से नहीं, जब आपका पेपर है, पेपर क्या है 7 अगस्त को, 7 अगस्त से पहले आपने क्या करना है, जो भी करंट अफेयर मैगजीन है फ्रॉम जनवरी टू जून, सो जनवरी से लेके जून तक का करंट अफेयर जो है वो कैसा करंट अफेयर, देखो इसमें भी आगे बता देता हूं मैं कि करंट अफेयर वन लाइनर करंट अफेयर, ठीक है, कि वन लाइनर, 4 ऑप्शन दे दिया, बात खत्म हो गया, क्लियर हो गया। सो वन लाइनर करंट अफेयर्स जो होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने तैयार करने हैं लास्ट 6 मंथ्स के, जनवरी टू जून 2022 के, समझ आ गया। ओके, नाउ यहाँ पे जो है फैक्चुअल करंट अफेयर्स ज्यादा पूछे जाते हैं, वन लाइनर ज्यादा पूछे जाते हैं। आप पेपर 5 साल का देख लीजिए, 10 साल का देख लीजिए, यू विल गेट टू नो, ठीक है। और रीड एटलीस्ट 1 साल का डिफेंस स्पेसिफिक करंट अफेयर, वो आप कहीं पर भी गूगल में भी सर्च मारेंगे कि करंट अफेयर डिफेंस, वो 1 साल के टाइमलाइन के हिसाब से आपके पास करंट अफेयर का लिस्ट पूरा आ जाएगा। तो 1 साल पुराने जो हैं आपने डिफेंस के पढ़ने हैं, लास्ट 6 महीने के आपने क्या पढ़ना है, फैक्चुअल वो वन लाइनर करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। बट इसमें भी हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या है, समझ आ गया करंट अफेयर का, आपको समझ आ गया, जैसे ऑपरेशन सद्भावना हो गया, इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है, तो बहुत सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। इस बार भी इसी तरीके से सवाल और इसी पैटर्न पे सवाल पूछे गए थे, फेड कप हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स है, जो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया के बने एट द एज ऑफ 92, तो कुछ ऐसे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो बहुत ही यूनिक है अपने में ही, ठीक है। तो वैसे करंट अफेयर्स जो हैं आपसे पूछे जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसमें कौन कौन से एरियाज होते हैं जहां से करंट अफेयर पूछे जाते हैं, तो ये एरियाज हैं जैसे कि मेडल्स, अवार्ड, ऑनर्स, प्राइज, यहां से सवाल पूछे जाएंगे, रिपोर्ट, इंडाइसेस, सर्वेस, स्टडीज, यहां से सवाल होंगे, गवर्नमेंट स्कीम्स। नाउ मैं इस एरिया को, इस चीज को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक है, इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम जो नेशनल लेवल की बहुत ही कमाल की स्कीम है, ठीक है, जिससे बहुत आम इंसान जो है इफेक्ट होता है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट स्कीम सिर्फ वन लाइनर में नहीं पूछी जाएगी, वो गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाएगी स्टेटमेंट्स की फॉर्म में, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये जो गवर्नमेंट स्कीम वाला जो एरिया होगा ना, इसको आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी डिटेल में जाना है आपने, इसमें क्या चाहिए आपको, डिटेल चाहिए, सारी गवर्नमेंट स्कीम नहीं बट कुछ कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स में डिटेल में जाना बनता है आपका, समझ आ गया। उसके बाद बजट की बात करें, बजट सर्वे, इसके अंदर वही बहुत ऊपर से सवाल पूछा जाता है, आप सर्वे इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो इनविजिबल हैंड के ऊपर, मतलब कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें बजट सर्वे के अंदर जिसमें आपको लगे कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यूनिकनेस उस सवाल के अंदर, यूनिकनेस होना चाहिए, ठीक है। फिर डिफेंस न्यूज़ मैंने आपको बता दिया, पर्सन इन न्यूज़ जो है वो ऐसे जो बहुत ही प्रोमिनेंट वाले हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ की बात करें तो ऑब्वियसली प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई समिट हुई है इंटरनेशनल, आजकल तो ज़्यादातर कॉन्फ्रेंसेज ही हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेज ही हो रही है, बट फिर भी बिमस्टैक हो गई, सार्क हो गई, इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, देखो ये जो डेट है कि ये फलाना दिन किसके लिए फेमस है, ये चीज़ जो है ये कब मनाई जाती है, वो CAPF के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, समझ आ गया। तो अगर हो सके, क्योंकि 1 साल के अंदर क्या 1 महीने के अंदर पता नहीं कितनी चीज़ें होती हैं, कितनी तारीखें होती हैं जो याद रखनी पड़ती हैं, तो अगर आप इस चीज़ को मिस कर दोगे या नहीं पढ़ोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डेट वेट आप कैंसिल आउट कर दो, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। हाँ ये ज़रूर है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा क्या है वो हमें पता होता है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे जो होता है, ह्यूमन राइट डे है वो आपको पता है, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत तगड़े लेवल है, इंडिया का एसोसिएशन है उनके साथ, वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमें ऐसे भी याद हो जाता है। फिर फेस्टिवल्स हो गए, फेस्टिवल्स याद रखेंगे, जो नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल्स हैं,
जो नॉर्थन इंडिया के फेस्टिवल्स हैं, जम्मू कश्मीर के, हिमाचल के हैं, वो कुछ कुछ लाइमलाइट में आते रहते हैं, उनके बारे में आपने पढ़ना ज़रूरी है। अब बुक्स की जहाँ तक बात करें तो बुक्स जो है जर्नली देखा गया है कि बुक्स के ऊपर क्वेश्चन एक आधा पूछा जाता है, लेकिन वो ऐसी किताब होती है जो करंट अफेयर में मिलना मुश्किल होती है, वो ऐसी होती है जो आपको हिंदू न्यूज़पेपर में मिल सकती है या इंडियन एक्सप्रेस में। ऐसे करंट अफेयर में अगर हम लोग देखें कि वो मैगजीन्स के अंदर, करंट अफेयर की मैगजीन्स के अंदर अगर हम लोग वो देखें तो उसमें तो बहुत सारी किताबें फिर पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर में कोई ऐसी किताब है जो बहुत ही हाईलाइटेड है, बहुत ज़्यादा प्रेज या फिर उसके अंदर है, किसके अंदर है, सवालों के अंदर है, तो वो किताब ज़रूर पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, वो किताब का नाम ज़रूर पढ़ सकते हैं। सो मैंने एक बार मैं इसको रिकॉल कर देता हूँ, ये ठीक है, ये भी ठीक है, बट ये चीज़ आपको डिटेल में पढ़नी है, ये चीज़ आपको डेफिनेटली स्टेटमेंट में आएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर और ये चीज़ वन लाइनर हो गया, ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये एक साल पिछले के पढ़ लेने हैं, ज़्यादा कुछ होते नहीं है, बहुत कम होते हैं। पर्सन इन न्यूज़ के ऊपर थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, प्लेसेस इन न्यूज़ डेफिनेटली इस पे आएगा, बट एक चीज़ और याद रखेंगे कि जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे WTO, आपने देखा होगा 2015 में, 16 में और 14 में, CAPF के 15, 16, 14, ये 3 सालों में कंसिस्टेंटली नहीं, एटलीस्ट 2 बार WTO जो कॉन्फ्रेंस होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर सवाल पूछा गया। अब ऐसा पूछा नहीं गया कि हाँ ये कहाँ पे हुई, ऐसा नहीं पूछा गया, पूछा गया कि उसमें कुछ क्लॉजेस थे, उस क्लॉजेस में इनकरेक्ट कौन सा है वो आपने बताना है। तो देखो कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेज है उनके ऊपर ज़रूर आपने ध्यान देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इतना क्लियर हो गया। नाउ अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये आपने एज पकड़ ली, एज नंबर 1 इज करंट अफेयर के ऊपर एज पकड़ सकते हो, ठीक है। अब एज नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए हर स्टूडेंट को पता होता है कि 6 से लेकर 10 तक की NCERT पढ़नी होती है, हर स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन वो 6 से लेकर 10 तक की NCERT को भी इतने अच्छे से पढ़ नहीं पाता। 9th-10th की NCERT तो सबसे इम्पोर्टेंट है ही है, 9th-10th NCERT। अच्छा जिस बच्चे ने ये पढ़ ली वो तो मान लीजिए उसने 60% जो है वो साइंस पोर्शन, और आपको पता है साइंस पोर्शन जो है बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं, इसकी वेटेज तो इतनी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से भी ज़्यादा वेटेज है, मतलब इस बार भी 30 क्वेश्चन आए थे, लास्ट ईयर भी इतने ही थे और पिछले साल भी इतने ही थे। तो मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने 9th-10th की NCERT पढ़ ली, मतलब 6th-7th-8th की पढ़ने की तो बात ही कुछ और है, वो मतलब इट वुड हार्डली टेक 1 से 2 दिन टू रीड दैट थिंग, ठीक है। 9th-10th की जिसने पढ़ ली उसका 60% सिलेबस खत्म हो गया साइंस का, समझ आ गया, 60% उसने खत्म कर लिया। अब 40% जो है वो कहाँ से साइंस में आएगा? देखो यहाँ पे अगर आप पढ़ के पेपर दोगे, 60% करने की कोशिश करोगे तो आपका पेपर सिर्फ क्वालिफाई होगा, मतलब बॉर्डर लाइन होगा, लेकिन अगर 40% के ऊपर भी टारगेट करोगे तब जाके आप मेरिट लिस्ट में आओगे, समझ आ गया। तो 40% कैसे आपने टारगेट करना है, देखो 40% टारगेट करना है +1 and +2 की NCERT देख के। अब +1 +2 की NCERT अगर कोई देखे तो उसमें खुद समझ आएगा यार, +1 में अपनी फिजिक्स की 2 किताबें हैं, केमिस्ट्री की 2 किताबें हैं, बायो की 1 किताब है, लगभग 5 किताबें तो +1 की, 5 किताबें +2 की, 10 किताबें कौन पढ़ेगा 40% स्कोर करने के लिए। बट ट्रस्ट मी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर एक हम लोग वी कैन स्टार्ट अ कोर्स ऑल्सो, लाइव कोर्स, जहाँ पे हम लोग +1 +2 की NCERT जो है वो जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डेफिनेटली हम लोग +1 +2 की NCERT को कवर करने में लगाएंगे, ठीक है। तो वो लाइव कोर्स हम लोग चला सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट वुड टेक 5 to 7 videos, जहाँ पे वो 5 to 7 videos के अंदर हम लोग वो कोर्स ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अंडरस्टैंड करो, अगर मेरिट में आना है 40% पे टारगेट करना पड़ेगा, समझ आ गया। तो साइंस में मैंने आपको एज बता दी कि कहाँ पे साइंस की एज बन सकती है, और कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, ट्रस्ट मी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी, देखिए पोलराइजेशन, साउंड वेव्स, ये सब कॉन्सेप्ट जो है, ये सब कॉन्सेप्ट आपको +1 +2 की NCERTs में मिलेगा। नाउ एक और एज की बात करते हैं, वो एज है आपका इकोनॉमी। अब इकोनॉमी के अंदर आप कैसे कर सकते हैं, देखो इकोनॉमी में बोला जाता है कि आप जो है रमेश सिंह पढ़ लीजिए,
संजीव वर्मा पढ़ लीजिए, मृणाल सर के नोट्स पढ़ लीजिए, लेकिन दोज आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड, दोज आर नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। इकोनॉमी में केवल और केवल आपने मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है एनसीईआरटी क्लास ट्वेल्थ की। क्लास ट्वेल्थ की एनसीईआरटी जो है वो पढ़नी है, दैट इज मैक्रो एंड माइक्रो, अंडरस्टैंड। तो इसको पढ़ने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन इससे बाहर मत जाइए, क्योंकि इस बार भी इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे गए, और वहीं से सवाल पूछे गए जहां पे एनसीईआरटी। देखो, अब इकोनॉमिक्स के मान लीजिए 10 सवाल पूछे गए, अगर 10 सवाल में से 7 सवाल सीधा एनसीईआरटी से सॉल्व हो रहे हैं, मतलब आप 100% इकोनॉमिक्स में परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि यार 3 सवाल तो ऐसा होगा ना कि एग्जामिनर भी बोलेगा नहीं, नहीं तो फिर यूपीएससी का स्टैंडर्ड ही कम हो जाएगा। पर 7 सवाल एनसीईआरटी से डायरेक्टली आ रहे हैं, तो किसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे? एनसीईआरटी देखेंगे। समझ आ गया? तो प्लस वन प्लस टू की एनसीईआरटी प्लीज आप पढ़ लीजिएगा। जितने भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स होते हैं, वो आई नो रमेश सिंह, संजीव वर्मा, ये सारी चीज़ें किताबें पढ़ते हैं, इट इज़ गुड एनफ, वो पढ़ रखिए। तो ये ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि यहीं से 7 सवाल आपके सॉल्व होंगे, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। तो लास्ट 3 साल में आप देखिए, ये लास्ट 3 साल क्या, लास्ट 4 साल लगा लीजिए इसको, तो आपको पता चल जाएगा कि इकोनॉमिक्स के वो 7-8-10 सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, और 7-8-10 सवाल में 6-8 सवाल जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर एनसीईआरटी बहुत तगड़े लेवल पे पढ़ाई की है, ठीक है? नाउ एक और ग्रे एरियाज हैं, ग्रे एरिया एज है, जिसको हमें पकड़ना बहुत जरूरी है। देखो, अब जितने भी सीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो हमेशा बिपिन चंद्रा की बात करते हैं, पुरानी एनसीईआरटी की बात करते हैं, तमिलनाडु बोर्ड की बात करते हैं, और भी बहुत फलानी स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, बहुत सारी किताबों की बात करते हैं, है ना? बट ट्रेंड तो यही दिख रहा है, जो मैंने आपको सीएपीएफ का हिस्ट्री का मैंने एनालिसिस किया था, जो इस बार पेपर हुआ उसमें हिस्ट्री के जब सवाल मैंने देखे, तो मैंने उन सवालों को ऑथेंटिकेट तरीके से आपको आंसर की बना के दी, मतलब एक वीडियो बनाई थी हमने, वीडियो में मैंने सिर्फ आंसर नहीं बताया, मैंने सोर्स भी बताया, और मैंने सोर्स कहीं एक्स वाई जेड नोट से नहीं बताया, मैंने बताया जो एनसीईआरटी फंडामेंटल जो किताब है वहां से बताया आपको, समझ आ रहा है? तो वो चीज़ के लिए अब आपको रियलाइजेशन होनी चाहिए कि आपने चाहे जो किताब पढ़ी हो हिस्ट्री के लिए, लेकिन आपने एज लेनी है तो आपने थीम्स पढ़ना है, थीम्स 1, 2 एंड 3, बस ये 3 किताबें पढ़ लीजिए, आपका काम हो सकता है, ठीक है? बहुत बढ़िया हो सकता है काम, बहुत तरीके से हो सकता है। और अगर थोड़ा सा टाइम और मिलता होगा तो आप 9th 10th की एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं, 9th और 10th की एनसीईआरटी, समझ आ गया? तो इतना आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर भी एज मिलेगी ही मिलेगी, समझ आ गया? सो आपने क्या करना है, थीम्स सबसे पहले कंप्लीट करनी है, वर्ड बाय वर्ड, डोंट फॉलो एनी नोट्स कि मैं नोट्स बना लेता हूँ या मैं नोट्स खरीद लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे वी हैव अ कंप्लीट कोर्स ऑल्सो, पेपर वन का कंप्लीट कोर्स है, जहाँ पे हमने यही जो सारी चीज़ें हैं उसको कंसोलिडेटेड तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक है? अभिमन्यु आईएएस की जो टीम है वो इसके पीछे काम कर रही है, अलग अलग टीचर अपने अपने हिसाब से जो कंटेंट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप कोर्स ले सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने खुद पढ़ना है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि थीम्स है 9th 10th की जो आपके पास थीम्स है, और अगर टाइम मिल गया तो 9th और 10th का जो है एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं सिलेक्टिवली, समझ आ गया? नाउ अब आपके सामने आता है एक और सब्जेक्ट जिसे कहते हैं आर्ट एंड कल्चर। अब आर्ट एंड कल्चर में सीएससी एस्पिरेंट नितिन सिंघानिया, बहुत बढ़िया अच्छी किताब है, या फिर फाइन आर्ट्स की किताब होती है, प्लस वन की किताब है फाइन आर्ट्स, वो भी बच्चा पढ़ता है, या सीसीआरटी की साइट देख लिया वो भी बोला जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आर्ट एंड कल्चर बिल्कुल भी कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है सीएपीएफ के अंदर। आर्ट एंड कल्चर आप आराम से हिस्ट्री के अंदर जितना आर्ट एंड कल्चर मिल जाता है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, और आपकी जो आपने जो किताब पढ़ी है उसमें जो मिल जाता है, नहीं तो इसको पढ़ने का कोई ज़्यादा स्पेसिफिक कोई पॉइंट है नहीं, समझ आ गया? ओके, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट की। देखिए, ज्योग्राफी में जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होता है, वो मुझे पता है कि वो प्लस वन प्लस टू की ही
फॉलो करता है ज्योग्राफी, और साथ ही साथ जीसी लियोंग भी पढ़ लेता है, और मैप ऑक्सफोर्ड का मैप देख लिया, वो देख लिया, दैट्स इट, है ना। तो यही किताब सीएपीएफ के लिए भी चाहिए होगी। सीएपीएफ के लिए भी प्लस वन प्लस टू की एनसीईआरटी सफिशिएंट है, दैट इज सफिशिएंट। जीसी लियोंग आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप याद रखेंगे, जो मैप है ना, जो मैप है वो मैप आपने ना कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट नहीं पढ़ना कि एक मैप में सारे कैपिटल देख लिया, कौन सा किसके साथ बॉर्डर लगता है, कौन सा माउंटेन, कौन सा क्या चीज़ें हैं। माउंटेन तो चलो वो ज्योग्राफी में कवर हो ही जाता है, वो आपको इम्पोर्टेंट, बट ऐसा इतना डिटेल के अंदर कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट मैप के अंदर मत कीजिएगा कुछ भी। समझ आ गया? आपने क्या करना है, आपने करना है ये जो मैप आएगा ना, ये मैप आएगा आपका करंट अफेयर बेस्ड, करंट अफेयर्स बेस्ड, इसके बाहर नहीं आएगा मैप। अगर कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर चलता रहता है वहां का मैप पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसे एरियाज, अभी अफगानिस्तान क्राइसिस चल रहा है, वहां पे वहां का एरिया जो है वो पढ़ना जरूरी है, तो वहां की मैपिंग करना बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसा हम लोग सोच के चले कि हाँ हम पूरा ही मैप पढ़ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है इस एग्जाम के लिए, ठीक है। अब एनवायरनमेंट की बात करता हूं। अब देखिए एनवायरनमेंट में आपके पास शंकर आईएएस की किताब होती है, नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीएपीएफ। यहां पे आपके लिए केवल वो चार बायो के चैप्टर्स हैं, चार से पांच बायो प्लस टू की किताब है, शायद प्लस टू एनसीईआरटी है, जहां पे वो एंड में इकोलॉजी, इकोसिस्टम, ये सारे चार चैप्टर हैं जो बायोलॉजी के दिए हुए हैं। दैट इज ओनली, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दी एनसीईआरटी, दैट इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर योर एनवायरमेंट पर्पसेस। समझ आ गया? सो वो सिर्फ इसके लिए रिक्वायर्ड है। समझ आ गया? तो एनवायरमेंट के लिए कोई शंकर आईएएस नहीं, सिर्फ आप इतना इतना पढ़िए, आपका काम बन सकता है, ठीक है। नाउ मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो देखिए मैथ्स और रीजनिंग की जहां तक बात मैं मानता हूं कि इस बार वेटेज जो है ऊपर नीचे हुई है मैथ्स रीजनिंग के अंदर अगेन, और जो ट्रेंड है मैथ्स रीजनिंग का वो थोड़ा कम देखा जा रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आगे का पता नहीं कैसा क्या हो सकता है। देखिए मैथ्स रीजनिंग के अंदर आप जो सीएससी का एस्पिरेंट होता है उसको पता है सीसैट जो है वो कैसा है, वो एक क्वालिफाइंग नेचर का है, तो बच्चा ज़्यादा मैथ्स रीजनिंग के ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन सीएपीएफ के अंदर क्वालिफाइंग नहीं है, जितना ज़्यादा बच्चा जो है स्कोर करेगा उतना ज़्यादा उसके मेरिट लिस्ट में चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग के अंदर ऐसा नहीं होता कि हाँ सब्जेक्टिव होता है, पता नहीं आंसर क्या होना चाहिए, जो इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ ऑब्जेक्टिव नेचर कि हाँ यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग जो है जो आंसर होगा वो आंसर होगा, बात खत्म, ठीक है। अब इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं सीएससी के, जिनका मैथ्स रीजनिंग बहुत ही अच्छा है और उनको तो मज़ा ही आ जाता है, बट यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग ऐसा होगा जो कैट लेवल का भी हो सकता है, आप समझिए इस चीज़ को, मतलब सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड मैथ एंड रीजनिंग यहाँ पे नहीं आता, ईजी होता है, लेकिन 25 क्वेश्चन में से आपके 15 क्वेश्चन ईजी होते हैं जिसमें आपके फॉर्मूला बेस्ड हो सकते हैं या आपको आपने पढ़ा होगा आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन जो रेस्ट 10 क्वेश्चंस होते हैं वहां पे आपको कैट लेवल, मतलब कैट लेवल इन द सेंस कि खुद ही सोचना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ के, वो पहले आपने वैसा वैसा क्वेश्चन शायद ही किया होगा, समझ आ रहा है। तो ये चीज कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब देखिए मैथ्स एंड रीजनिंग में दो तरीके के स्टूडेंट्स होंगे, जो सीएससी वाले होंगे उनको तो इधर प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं, आप इस एरिया को टारगेट बहुत अच्छे से कीजिएगा। अगर आप अच्छे हैं मैथ्स रीजनिंग में, इस एरिया में अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया आपका, डेफिनेटली आप 20-30 नंबर बाकी बच्चों से ज़्यादा लेकर जाओगे, ठीक है। बट जो बच्चे थोड़े से वीक हैं मैथ्स रीजनिंग में, दे डोंट वॉन्ट टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मैथ्स एंड रीजनिंग, वॉट बेस्ट यू कैन डू, आप सिंपली एक काम कीजिए, आपने क्या करना है, पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर दो, ठीक है, उसमें सॉल्व करो, और पहले तो उनको सॉल्व करो, और कुछ कुछ जो मेजरली यहाँ पे जो चैप्टर्स होते हैं ना, देखो मैथ्स के मैं चैप्टर्स आपको बता देता हूँ, ये सारे चैप्टर्स हैं। अब इन सारे चैप्टर्स को आपने करना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सरफेस लेवल पे करना है। कैसे करना है? सरफेस लेवल पे, कि थोड़े बहुत फॉर्मूलाज पढ़ लो, थोड़े बहुत एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लो, बात खत्म। क्योंकि यहाँ पे वो बच्चा जिसका मैथ्स रीजनिंग इतना स्ट्रांग नहीं है, उसको पता क्या होगा, वो उस टाइम पे जब टाइम कम होता है, पेपर हम लोग जब दे रहे होते हैं, अपीयरिंग हो रहे होते हैं,
तो उस टाइम पे वो जो सवाल होता है वो या तो आता है या नहीं आता। अगर उस बच्चे ने थोड़ी मेहनत कर ली होगी तो वो कोशिश करेगा मैं उस सवाल को निकालूं निकालूं निकालूं, और उस प्रोसेस में क्या होगा, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो बेस्ट आप क्या कर सकते हो, आपका मैथ्स रीजनिंग इतना अच्छा नहीं है, आप सरफेस लेवल पे फॉर्मूलाज देख लो, सरफेस लेवल पे फॉर्मूलाज देख लो, और साथ ही साथ ये सारे ऑल के ऑल, क्यों, क्योंकि मैं अगर 5 साल का एनालिसिस करूं तो ऐसा नहीं कह सकते कि यार यहाँ से ज़्यादा सवाल आते यहाँ से, नहीं, एक ना एक सवाल हर इस टॉपिक से आता ही आता है, कभी इन 5 टॉपिक से आ गया, कभी ऊपर वाले 5 टॉपिक से आ गया, तो पता कोई नहीं है। लेकिन अगर सवाल आएगा तो वो मेजरली क्या होगा, सरफेस लेवल का ही होगा, वो 15 सवाल जो मैंने बताए, तो कम से कम 15 सवाल अगर आप टारगेट करेंगे तो ही आपको अच्छा बेनिफिट मिल पाएगा। बट आप याद रखिए, परसेंटेज से सवाल आते ही आते हैं, बट ये जो मेंसुरेशन है, नंबर सिस्टम है, इनको थोड़ा डीपर तरीके से कर लोगे तो डेफिनेटली यहाँ से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। मेंसुरेशन से 1 सवाल डेली हर साल पूछा जाता है या 2 सवाल पूछ लिए जाते हैं, नंबर सिस्टम से 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा डिटेल में कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी जितना भी है सरफेस लेवल पे करने की आवश्यकता है, नॉट मोर देन दैट। तो आप मिनिमम 15 क्वेश्चंस जो हैं सही करके आओगे, और अगर 25 में से 15 क्वेश्चन आप ठीक करके आ रहे हो और आपका मैथ्स रीजनिंग इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, दैट मीन्स यू आर गुड इनफ इन द मैथ्स रीजनिंग। यहाँ पे आपने गुड कर लिया है, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं बट गुड परफॉर्म किया है। रीजनिंग में मैंने बता दिया, इन रीजनिंग के सारे टॉपिक्स को आपने करना है, सारे टॉपिक्स को, ऐसा नहीं कि मैं क्लॉक कैलेंडर छोड़ दूँ। अगर 2-3 साल पहले क्लॉक कैलेंडर का क्वेश्चन आया, अब नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने छोड़ देना है, क्या पता इस बार आ जाए, लेकिन आएगा सब सरफेस लेवल पे, इतना डीपर नहीं आएगा, तो ये चीज आपने ध्यान देनी है। नाउ द लास्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू एम्फसाइज ऑन एस जो गेम चेंजर हो सकता है, देखिए बहुत सारे सीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार हम तो लिखते रहते हैं, हम लोग तो मेंस की प्रैक्टिस करते रहते हैं, मेंस उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है, लेकिन वो चेंज वो 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 ये नहीं देखते कि मेंस में अगर उनकी प्रैक्टिस चल रही है तो वो आंसर तो अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन पेपर 2 के अंदर 25 मार्क्स की इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा जो है वो एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाएंगे आपका बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है। जितने भी सीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं वो जर्नली ग्रामर के बेसिस पे नहीं या कॉम्प्रिहेंशन प्रेसर राइटिंग के बेसिस पे नहीं, वो केवल केवल आर्ग्यूमेंट ऐसे और रिपोर्ट के बेसिस पे ही 75-80 मार्क्स ले आते हैं। ये मैंने एनालिसिस किया है अपने टाइम पे भी और अभी भी मैं देखता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, 75-80 मार्क्स वो सिर्फ इन के बेसिस पे लाते हैं। तो सपोज़ अगर 75-80 मार्क्स वो ऐसे ही ला रहे हैं और 25 मार्क्स जो ग्रामर के हैं उसमें से 15 मार्क्स भी वो ले आते हैं, तो आप देखिए कितना ज़्यादा वो स्कोर कर सकते हैं। अभी ये तो सिर्फ ग्रामर की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंशन की, प्रेसे राइटिंग, वहाँ से भी इन्होंने थोड़ा बहुत किया ही होगा ना, छोड़ के तो नहीं आए होंगे, लेकिन जनरली उनका फोकस सिर्फ उस पर होता है, किनके, आर्ग्यूमेंट, रिपोर्ट और एसे राइटिंग, बाकी वो छोड़ देते हैं। गेम चेंजर यहाँ पे आपका होगा ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसे राइटिंग, ये 3 चीज़ें जो है आपकी गेम चेंज कर सकती हैं। सो आपने क्या करना है, आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप आगे का जो है ये सब चीज़ें जो है आप धीरे 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 इनके ऊपर टारगेट ज़रूर कर सकते हो। समझ आ गया? सो मैं आपको सिर्फ एक बार रिकॉल करा देता हूँ, करंट अफेयर लास्ट 6 महीने सिंगल लाइनर नेशनल जो स्कीम्स है उसके ऊपर थोड़ा डिटेल में पढ़िए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं पॉलिटी, लक्ष्मीकांत आ गया, ज्योग्राफी में +1 +2 NCERT हो गई, मैप उतना ही पढ़ना है जितना रिक्वायर्ड है करंट इवेंट्स से बेसिस, हिस्ट्री थीम्स पढ़ लो, दैट्स इट, थीम्स पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा मत देखना। इसके अलावा हमारे पास आर्ट, जो आर्ट एंड कल्चर है बिल्कुल छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी के 4 चैप्टर पढ़ लेना, बात खत्म हो जाएगी। और पेपर 2 की जहाँ तक बात है तो सिर्फ ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसे राइटिंग, इन तीनों पे भी इस बार फोकस करना, तभी आप लोग जो होंगे, अगर आपके इस बार 120 से 125 आ रहे हैं सो यू विल डेफिनेटली क्रॉस, अगर ये सब किया होगा तो ये आपको 150 से ऊपर पहुंचा देगा, 150 इज द मिनिमम पॉइंट, राइट। सो अगर कोई डाउट क्वेरी है, हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 की टेस्ट सीरीज है, CDS, NDA, CAPF तीनों की, और कंप्लीट कोर्स भी है, कंसोलिडेटेड वर्जन का है, तो कोई डाउट क्वेरी इसके रिगार्डिंग होगी
सो आप डेफिनेटली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सो जय हिंद, थैंक यू।